एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि गाइस आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ हम सुबह 9 बजे तक आज का ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं, तो सुबह का मेरा काम हो चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा, मुझे अभी नाश्ता बनाने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सुबह उठने के बाद और जो भी सुबह का काम रहता है वो सारा करने के बाद थोड़ा सा थकान तो महसूस होता ही है। तो बस यहीं मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी। तो अभी मैंने वैसे लंच, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट की सारी तैयारी कर दी है। बस सभी लोग जब खाएंगे तो बस तुरंत मैं गरम गरम रोटियां सेक लूँगी। तो आज हमने बाल धुल के रखा था, तो बाल अभी सूखा नहीं है, तो बस वही मैं थोड़ा बाल झाड़ रही थी। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं बालों को खोल के लेटूंगी, क्योंकि थोड़ा सा लेटना ज़रूरी है ना। एक लगातार अगर काम करो तो अच्छे अच्छे भी थक जाते हैं, थोड़ी थकान हो जाती है। तो यहाँ सलाद हमने काटा था, तो सलाद के काटने के समय पे हमने 2 टुकड़ा खीरा भी निकाल लिया है, और खीरा काफ़ी जूसी था। एक्चुअली में खीरा इस टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, तो बस वही खीरा लेकर मैं आई थी यहाँ पर। तो खीरा मैं अब आँखों पे रख कर थोड़ी देर के लिए थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि इस टाइम पर गर्मी बहुत अधिक है। 9 बज रहा है लेकिन लग रहा है कि जैसे दोपहर का टाइम हो गया है। तो खीरा रख के मैं थोड़ा देर रिलैक्स करूँगी, और साथ साथ मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज, यानी थोड़ा सा मतलब अपने हाथों वगैरह को मूवमेंट भी मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा थोड़ा हाथ वगैरह भी थोड़ा ढीला रहे, थोड़ा थकान हो जाता है। क्योंकि सारा एक्सरसाइज और सारा योगा तो कर पाना मुश्किल है, कुछ योगा या कुछ एक्सरसाइज ऐसा भी होता है जो हम मतलब टीवी के सामने बैठ कर या रेस्ट करते वक्त या किसी से बातें करते वक्त भी कर सकते हैं। तो बस वही थोड़ा सा मैं हाथ वगैरह का अपना मूवमेंट कर रही थी, कि जिससे एक्चुअली में मेरे हाथों में थोड़ा पेन होता है, जैसे कि जॉइंट पेन मुझे बराबर इधर बना रह रहा है। यही सब रीज़न है कि हमने योगा वगैरह स्टार्ट कर दिया है। वैसे मैं पहले कभी नहीं करती थी, और इस समय पे मॉर्निंग टाइम में कुछ ऐसा विशेष काम नहीं रह रहा है, तो मुझे एक्सरसाइज करने का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। लेकिन हाँ, उसके लिए मुझे 4 बजे ही उठना पड़ता है। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए गर्दन वाला एक्सरसाइज कर रही थी। यकीन मानिए, इस वाले एक्सरसाइज से इतना, इस वाले मतलब व्यायाम कहिए या एक्सरसाइज जो भी कह लीजिए, मुझे सही से नहीं पता है, तो इससे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। अपनी आँखों को, अपने पूरे फेस को, पीठ को और गर्दन को काफ़ी आराम मिलता है। तो बस इसके बाद ही हम चलेंगे किचन में नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड मेरे आ चुके हैं। असल में यहाँ पे सुबह 6 बजे से केवल सुबह 11 बजे तक का ही लॉकडाउन हट रहा है, तो बस उसी के दौरान घर का या अपने बिजनेस का दो जो भी काम करते बनता है उसी समय पे कर लेते हैं, तो वो सुबह ही निकल जाते हैं। तो ये इतना इतना करने के बाद मुझे 5 से 7 मिनट इसमें लगा करने में, 5-7 मिनट तक मैंने किया तो मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा था। तो बस अब हस्बैंड जब आ गए हैं तो मैंने बस उनसे नाश्ता वगैरह के लिए पूछा है, तो बस अब हम उसके बाद चलेंगे किचन में नाश्ता बनाने के लिए। फ्रेंड, अब हमारे हस्बैंड नाश्ता मांग रहे हैं, तो चलती हूँ किचन में। और उसके पहले हम बालों को खूब अच्छे से बांध ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक गर्मी है। गर्मी इतनी अधिक है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। या और वैसे ये नहावा चुके हैं, मतलब इनको नहाना वाना भी नहीं है। जो बाहर से कपड़े वगैरह पहन के आए थे उसको एक साइड में टांग देते हैं और सैनिटाइज कर देते हैं, तो वो बस कैमरा देख रहे थे। यहाँ तो यहाँ देखिए, मेरे हस्बैंड ने यहाँ कैमरा लगा दिया और कह रहे हैं देखो तुम्हारा वीडियो बन रहा है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे लगा वो झूठ में बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो गाइज, अचानक से मौसम इतना, ये अचानक से एकाएक इस तरीके से बदला है मौसम का मूड और मजा मिजाज ऐसे बदला कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। जहाँ इतनी भीषण गर्मी और इतनी ख़राब गर्मी थी, वहाँ ये मौसम देखिएगा अचानक से कैसा हो गया है। तो यहाँ पे इतनी तेज़ आंधी आ रही थी, और लेकिन आंधी इतना ठंडा ठंडा लग रहा था कि हस्बैंड और मतलब मेरा बड़ा वाला बेटा भी आवाज़ देने लगा कि ऊपर आ जाइए मम्मी, अच्छा लगेगा। तो बस मैं ना ऊपर चली गई थी थोड़ी देर के लिए मौसम का लुत्फ लेने के लिए। वैसे बहुत लोग अपने अपने छतों पे निकल आए थे, क्योंकि अचानक से जो 4-5 घंटे से आज की ये जो गर्मी थी, तो ये गर्मी से तुरंत इतनी जल्दी आराम मिला कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पर हम लोग काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे थे, काफ़ी मस्ती भी हम सभी लोग कर रहे थे। तो ये सारा व्यू देखिएगा, कितने काले काले बादल हैं। तो गाइज़, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की तरफ का भी ऐसा ही मौसम है, ऐसा ही ये मूड है मौसम का। और ये मंगलवार का है वीडियो,
मंगलवार को क्लिप हमने लिया था, यहाँ देखिए कितनी अच्छी हवाएं चल रही हैं, तो आप लोग भी इसका खूब अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और आप लोग भी देखिए हमारी यहाँ मस्ती चल रही है खूब बढ़िया से जोरों शोरों में। तो बस हम यहाँ पे भागने लगते तो ये देखिए गमला वगैरह बिगड़ रहा है, वैसे इधर आंधी और पानी इतना अधिक आ रहा है, सारे प्लांटर जितने भी हैं सब एक दूसरे पे गिर जाते हैं, सब इधर उधर नुकसान ले, वैसे नुकसान तो खैर कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा पूरे गार्डन का मतलब टेरिस गार्डन का व्यू आप लोगों को दे रहा है, और ये देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ ज़ोरदार वाली बारिश हो रही है कि मतलब कमरे में भी खूब अच्छे से उड़ के बौछार आ रहा था। तो वैसे मेरा थकान आज बिल्कुल अच्छे से मिट गया है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद, थोड़ा रिलैक्स करने के बाद जब ये मौसम अच्छा हो गया तो यकीन मानिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर चलिए मैं अब मिलती हूँ आप लोगों से शाम में छत पर चल कर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं गाइज आप लोग? तो सब देखिए इस समय हो गया है बिल्कुल शाम, और शाम के इस समय शायद 7 बज रहे हैं, मैंने इस समय भी घड़ी नहीं देखा है। तो अभी मैं आई हूँ मंदिर वाले कमरे में, तो बस यहाँ पे दीपक उपक जला के बस अभी मैं तुरंत बैठी हूँ, और गर्मी बहुत अधिक हो रही है, बहुत अधिक उलझन हो रहा है, तो हमने सोचा कि ले आओ मैं आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। और बताइएगा आप लोगों का कैसा बीत रहा है? अभी मैंने किचन का सारा काम ख़त्म कर लिया है और दीपक जलाने के बाद मैं ऊपर आई हूँ, यहीं पर बैठ गई थोड़ी देर के लिए। थोड़ा देर मौसम यहाँ पर अच्छा लग रहा है, गर्मी मतलब है गर्मी, लेकिन थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, फिर उसके बाद शाम का नाश्ता और खाना वगैरह मुझे बनाना है। तो गाइज़ आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप लोगों का ओपिनियन मुझे पता चल पाता है। और गर्मी इतना अधिक था कि मैंने बाल में क्लचर लगा लिया है खूब टाइट जुड़ा कर करके, अब ऐसे पूरा बाल अभी सूखा नहीं है, बाल अभी सूखना बाकी है। और मौसम भी देखिएगा आप लोग कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, और पेड़ पौधों के बीच बैठ के ना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज खाने में कोई ठीक नहीं है, और दोपहर में हमने बनाया था आज तहरी, तहरी यानी नमकीन चावल वाला तहरी, तो बस यही मेरा दोपहर का लंच हुआ है। फिर चलिए तो फिर मिलती हूँ कुछ देर बाद आप लोगों से। वेलकम बैक गाइस, और अब ये है रात का टाइम, तो रात में आज मुझे डिनर नहीं बनाना था क्योंकि किसी को भूख नहीं था, किसी को खाने का भी मन नहीं था, क्योंकि जब बारिश और मौसम बदला ना तो फिर मौसम अच्छा तो हो गया था, लेकिन सभी लोगों ने लंच थोड़ा लेट में किया था तो इसलिए किसी को भूख नहीं था। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह मैं अपनी जगह पे सेट कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर के लंच का जो बर्तन था वो अब सूख गया है, तो उसको अपनी अपनी जगह पे लगा देने पे ही थोड़ा सा मतलब सुबह के टाइम बहुत काम हल्का हो जाता है। तो गाइस आज ये साड़ी का ब्लॉग है, मतलब ब्लू साड़ी में मैंने आज का ब्लॉग मतलब शूट किया है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। वैसे मुझे पता है कि बहुत लोग हैं जो 2 मिनट से अधिक को वीडियो को नहीं देखते हैं, बट ये गाइस मैं बता दूँ कि जब तक आप लोग 2 मिनट तक ही वीडियो देखिएगा तब तक कोई किसी से अटैच नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग एक फैमिली हैं तो एक दूसरे को ज़रूरी है कि मतलब एक दूसरे से जुड़ने के लिए, एक दूसरे के को सपोर्ट करने के लिए मतलब फुल ब्लॉग देखा जाए। और वैसे लाइक और कमेंट्स भी बहुत कंजूसी में ही मुझे मिलता है, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाटरमेलन कट कर रही हूँ क्योंकि रात का खाना तो कोई खाएगा नहीं, वैसे तरबूज खाने के बाद तो वैसे भी जो थोड़ा बहुत भूख था कि सबको वो भी ख़त्म हो गया, तो यहाँ तरबूज कट करके मैं सबको दे दूँगी। यानी छोटा वाला बेटा तो अपने नानी के वहाँ गया है, और शाश्वत है, और मैं हूँ, और मेरे हस्बैंड है, तो बस यही 3 लोग हैं खाना खाने के लिए। तो तरबूज कट करके हम जब दे देंगे तो फिर उसके बाद रात को थोड़ा बहुत जो मुझे काम रहेगा, थोड़ा बहुत दो चार बर्तन वगैरह रह जाते हैं, तो बस वही सारा मुझे करना रहता है, और ज़्यादा कोई विशेष काम नहीं रह जाता है। तो इससे ज़्यादा और इससे लंबा मैंने ब्लॉग को नहीं किया है,
और उम्मीद करूंगी कि आज का मेरा साड़ी का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 गाइस लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को साड़ी पर का कैसा लगा। तो फिर चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Hard to breathe, but that's alright. Hush.